खबरों की शुरुआत करते हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पहुंचे हिमाचल सीएम। हिमाचल प्रदेश के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मुलाकात की। उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री सहित तमाम विधायक मौजूद। हिमाचल कांग्रेस प्रदेश प्रभारी राजीव शुक्ला भी मौजूद। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे उनके साथ नजर आ रही हैं हिमाचल के सीएम सुक्खू और खड़गे के आवास पर हिमाचल सीएम पहुंचे हैं और अमित मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित जी, ये तस्वीरें नजर आ रही हैं जिसमें मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर सीएम नजर आ रहे हैं हिमाचल के, और क्या कुछ अधिक जानकारी इसमें? मेरा देखिए, कल से ही हिमाचल के कल शाम से ही सारे विधायक, खुद मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री दिल्ली में हैं और यहाँ उन्होंने राजीव शुक्ला जो प्रभारी हैं उनसे मुलाकात की है हिमाचल के, और उसके बाद अभी वो इस वक्त सारे विधायकों के साथ मुख्यमंत्री भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर हैं। घर पर वो विधायक सारे अध्यक्ष को अपनी अपनी बातें बता रहे हैं कि चुनाव में उनको किस तरह के परिणाम परेशानियां आई बीजेपी से लड़ने के समय में, तो अध्यक्ष के साथ साथ वो सारे नेता मुख्यमंत्री और विधायक जितने हैं वो इस वक्त अपनी बातें साझा कर रहे हैं, और इसके बाद अध्यक्ष इसके बाद सारे विधायक मुख्यमंत्री के साथ कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी से मिलेंगे और फिर इन लोगों का कार्यक्रम भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने का है। तो ये पूरे तरीके से सारे विधायक मुख्यमंत्री के समेत दिल्ली से सीधा भारत जोड़ो यात्रा के कार्यक्रम में जाएंगे और उस कार्यक्रम के बाद वहां रहने के बाद फिर ये पुनः दिल्ली लौटेंगे। यहाँ इनकी एक मुलाकात होनी है और उसके बाद 23 दिसंबर को इनको फिर मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष को दिल्ली में एक बड़ी मीटिंग है कांग्रेस की, उसमें बुलाया गया है। तो 23 तारीख को फिर मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष यहाँ होंगे। तमाम विधायक जो हैं वो शिमला में कैंप करेंगे और उसके पहले कैबिनेट की जो रूपरेखा है वो तैयार हो जाएगी। कैबिनेट के जिन नामों को आज फाइनल करना है उस पर अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से आज से कक्ष में मोहर भी लग जाएगी। अमित जी, ये मीटिंग जो है या जो मुलाकात का दौर है उसको लेकर अभी आगे के लिए क्या जानकारी है? कितनी देर ये बैठक होगी, कब तक मोहर लगेगी, कब तक नाम सामने आएंगे? आज कुछ नामों की रूपरेखा जो है वो तैयार हुई है, जो विधायकों में से कुछ को मंत्री पद की शपथ दिलानी है, लेकिन वो फाइनल जो प्रक्रिया है वो प्रक्रिया भारत जो यात्रा से जब ये तमाम लोग लौटेंगे उसके बाद ही होगी, क्योंकि उस क्रम में एक बार उस जो लिस्ट बनाई है राजीव शुक्ला ने उस पर प्रियंका गांधी भी अपनी नजर रखेंगी, मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से सहमति होगी और उसके बाद ही वहां के जातिगत आधार को साझा किया जाएगा और उसके बाद ये भी देखा जाएगा कि जो विधायक कई बार से विधायक चुनकर आ रहे हैं, विनेबिलिटी फैक्टर जिनकी ज्यादा रही है उनको ज्यादा तवज्जो दी जाएगी। हाँ, विक्रमादित्य सिंह जो प्रतिभा सिंह के बेटे हैं, वीरभद्र सिंह के बेटे हैं, वो कल उन्होंने मुलाकात की है सोनिया गांधी से अपनी माँ प्रतिभा सिंह के साथ जो हिमाचल प्रदेश की प्रदेश अध्यक्ष हैं, तो ये भी लगातार ये चल रहा है कि विक्रमादित्य सिंह को भी एकोमोडेट कैसे किया जाए उस बात पर भी चर्चा जारी है। अच्छा अमित जी, क्योंकि ये भारत जोड़ो यात्रा से सभी लोग जुड़ेंगे तो कब तक पहुंचेंगे भारत जोड़ो यात्रा में और कहां से ये शामिल होंगे? उम्मीद ये है कि ये जो भारत जोड़ो यात्रा कल सुबह का जो कार्यक्रम है उस कार्यक्रम में कुछ लोग शामिल हो जाएं, फिर कल राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस है उस प्रेस कॉन्फ्रेंस जयपुर में, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जो शाम का कार्यक्रम जयपुर में है, फिर राहुल गांधी परसों की सुबह जो भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होंगे तो उसमें सारे विधायक मुख्यमंत्री मौजूद हैं। उम्मीदता कल सुबह विधायक अपने मुख्यमंत्री के साथ उसमें जाने की कोशिश करेंगे और आज शाम में देर शाम तक उनके गंतव्य स्थल तक पहुंचने की उम्मीद है। हो सकता है कि आज शाम में ही विधायक अपने मुख्यमंत्री के साथ यानी सुखविंदर सिंह सुक्खू के साथ वहां पर पहुंचे जहां से भारत जोड़ो यात्रा का शुभारंभ कल सुबह होना है। तो कुल मिलाकर स्थिति यह है कि कल विधायक हिमाचल के अपने मुख्यमंत्री के साथ भारत जोड़ो यात्रा में कदमताल राहुल गांधी के साथ करेंगे और उसके अतिरिक्त वो वहां पर एक दिन का उनका आवास भी है, तो वो सारी प्रतिज्ञाएं जो हैं वो अपने मुख्यमंत्री और जो भारत जोड़ो यात्रा को वहां देख रहे हैं लोग उनके साथ साझा भी किया गया है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अमित जी पूरी जानकारी के लिए।